शासन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम सब लोग असहाय हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम फिल्म बनाते। जैसा शासन का अनुरोध होगा उसका पालन करें। लोकतंत्र ये अधिकार देता है किसी भी शासन को कि वो कानून जो लिखा हुआ है संविधान के तहत उसका पालन करें। हम आपसे केवल इतना ही अनुरोध कर सकते हैं कि आप थोड़ा सब्र रखें। फिल्म रिलीज़ हुई है महाराष्ट्र में, और भी क्षेत्रों में भी रिलीज़ होगी, उसके बाद आप हमसे प्रश्न कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे यू नो वी डू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट्स ऑफ पीपल। वी डोंट मेक फिल्म्स टू हर्ट पीपल, वी मेक फिल्म्स कीपिंग एवरीवन इन माइंड। बट एनीवे द गुड पॉइंट इज दैट आवर फिल्म्स रिलीज टुडे एंड वी शुड ऑल सेलिब्रेट। ऑब्वियसली चाहती हूँ कि यू नो दैट द फिल्म रिलीजेस इन एवरी सिटी, एवरीवन वॉचेस द फिल्म एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। इन ऐसा कुछ है नहीं पिक्चर में, इट्स नॉट वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। It's a well-balanced point of view, and Prakash ji has made a very nice movie, and I hope everything sorts out well. A good badlaw might be that after films are censored, they shouldn't get banned. जहाँ तक मुझे पता, इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि offense किसी को offense होए. So I guess शायद उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, तो देखकर उनकी जो परेशानी है वो हट जाएगी। देखिए, ये फिल्म हर जगह रिलीज़ होगी, लोगों के सामने फिल्म आएगी, लोगों को फिल्म का मतलब समझ में आएगा। अभी सब लोग बिना देखे बिना समझे इसके बारे में आशंकाएं कर रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। जैसे कि आपने महाराष्ट्र में देखा कि आज अठावले साहब ने नारा लगाया कि आरक्षण चलेगी, महाराष्ट्र में चलेगी। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर हो सकती है लेकिन फिल्म रिलीज़ होगी हर जगह।